नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर एक बार फिर से। मेरा नाम है मनीष। मेरा नाम विजेंद्र। और दोस्तों, आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है एक पंजाबी मूवी का ट्रेलर। इसका नाम है नानका मेल और इसके अंदर हैं रोशन प्रिंस और रूबीन बाजवा। और रूबीन बाजवा जो है वो सभी को पता है, नीरू बाजवा की सिस्टर है और उन्होंने इससे पहले भी 2-3 फिल्में कर चुकी हैं वो। तो देखते हैं इस ट्रेलर को, कैसा है ये ट्रेलर, अभी अभी रिलीज हुआ है। तो नानक, गुरु नानक का नाम। नीरू बाजवा जैसी लग रही है, यहाँ तो लग ही रही है। तो दोस्तों, ये था ट्रेलर नानका मेल। इसमें मतलब ये दिखाया गया है मूवी के अंदर की वो उसकी लेडीज का अपने जो ब्रदर्स के साथ मतलब उनके साथ रिश्तेदारी निभाते नहीं है सही से। मतलब जो नानके वाले साइड होता है, जो नाना नानी वाली साइड है उसको ज्यादा मतलब वो कुछ पता नहीं चला इस ट्रेलर के अंदर। और उसके बारे में कुछ, उस स्टोरी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है कि क्यों हुआ है ये सब। मतलब उसके दादा भी नहीं करते थे, उसके पापा भी नहीं करते हैं, वो भी नहीं करता है।
तो ऐसी जगह तो कोई भी अपनी बेटी नहीं देना चाहेगा ना, कि जहाँ पे मतलब वो रिश्तेदारी ना रखते हो, मतलब बेटी तो फिर अलग ही हो गई वो। हाँ, बेटी के घर वालों को वो करे ही ना, इंक्लूड ही ना करें उनको, कुछ बुलाए ना उनसे, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो मतलब रोशन प्रिंस जी का जो रोल है वो मतलब उनको मिलाने का है। हाँ, मतलब उनका रिश्ता हो रहा है, पर वो चाहते हैं कि वो मतलब सारे जो नाना साइड है, दादा साइड है, वो मिलके तब उनका वो रिश्ता हो। तो ये बहुत सारी मूवीज में ऐसा पहले भी हो चुका है कि दो फैमिलीज को मिलाने के लिए जो लड़का लड़की जो है वो एफर्ट्स करते होते हैं। ऐसा चाहे आप सौदागर मूवी देख लो, सौदागर में भी यही था, जो राजकुमार जी और दिलीप कुमार जी की थी, वहां से लेकर अभी तक जितनी मूवीज आई हैं उसी तरह का ये भी प्लॉट, मतलब बेसिक प्लॉट वैसा ही है, बाकी स्टोरी के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स और बहुत सारी अलग अलग चीजें होंगी। और ये जैसे मतलब स्टोरी कहीं ना कहीं से उठाते ही हैं, जैसे किसी ना किसी कहीं पे पंजाब में हुआ होगा या इंडिया में कहीं हुआ होगा, तो वहाँ से मतलब वो लेके रेफरेंस से होगी, फिर वो स्टोरी क्रिएट करते हैं, मतलब ऐसा होता है, तो उसके ऊपर चलो एक मूवी बनाई जाए। हालांकि मैंने तो ऐसा कहीं देखा नहीं है, बड़ा मुश्किल से मिलता है, कहीं हो कहीं मतलब 100 में से एक केस हो ऐसे केसेस में। आजकल जो हमने देखा है उसमें तो यही होता है कि लड़की छोड़ के चली जाती है ज्यादातर में, तो यही होता है कि ऐसा कहीं मैंने देखा नहीं है कि मतलब उसमें फिर जो आपने पता नहीं, पर मैंने जो देखा है उसके अंदर वो डिवोर्स वाला ही केसेस होते हैं ज्यादातर, एंड में वही रह जाता है फिर, क्योंकि वो अगर बिल्कुल ही आप छोड़ दोगे तो बात फिर वो डिवोर्स पे खत्म हो जाती है। हाँ, तो ज्यादातर यही होते देखा है हमने, तो बाकी क्या पता मतलब ऐसा भी होता ही हो कि लड़की बस अपने परिवार को, अपने घर को बिल्कुल ही छोड़ दे, राखी पे भी ना जाए, मतलब अपने भाइयों को राखी बांधने, ये तो कहीं ही होता है, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। ऐसा तो जब आपने देखा होगा जब पंडित मंत्र पढ़ता है तो वो भी ये बोलता है कि साल में दो दिन ऐसे हैं जब वो लड़की बिना पूछे अपने घर जा सकती है, वो एक राखी और एक भैया दूज, इन दो त्योहारों पे बहन जो लड़की है किसी भी परिवार में शादी हुई है जिसकी, वो बिना पूछे भी घर जा सकती है, बाकियों में उसे पूछ के जाना होता है अपने ससुराल को। तो वहाँ उसमें भी नहीं जा रही है, तो ये कुछ बहुत कम देखा है हमने, बहुत ही कम। तो आपने अगर ऐसा आपका कोई एक्सपीरियंस है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा हमें, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताएं, लाइक करके बताएं हमें, और ट्रेलर शेयर करें। अच्छा था ट्रेलर, मतलब ट्रेलर का देखा जाए तो वो एक्ट्रेस जो है इसमें रुबीना बाजवा, वो बिल्कुल अपनी सिस्टर जैसी, नीरू बाजवा जैसी लग रही हैं, एक शुरू में जो गाने का एक शॉट था उसके अंदर, और बाकी डायलॉग डिलीवरी वगैरह, बाकी एक्टिंग तो डिपेंड करती है कैसी करती हैं वो। पिछली दो मूवीज हमने जो दो तीन उन्होंने की हैं वो मैंने कोई भी नहीं देखी उनकी, और मूवी के कलर्स वगैरह जो है वो गांव वाले रखे हुए हैं, येलो पिंच दिया हुआ है थोड़ा सा, मिट्टी से जुड़ा हुआ, मॉडर्न कुछ भी नहीं है, वही बुलेट ट्रैक्टर वही पंजाब वाले पुराने वाले, एक गेम्स का दिखाया हुआ है जिसमें कंचे खेल रहे होते हैं, वो अलग अलग टाइप की गेम्स कर रहे होते हैं, पहले यही होता था गाँव में। तो रोशन प्रिंस की एक फैन फॉलोइंग अलग ही है मतलब पंजाब में, और जो जो फैन है वो तो इस वीडियो को लाइक कर ही दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें इस वीडियो को। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।